राजस्थान की आधा दर्जन सीटों पर इस बार मुकाबला कड़ा या रोचक रहने की संभावना है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से इस बार चूरू, कोटा बूंदी, सीकर, नागौर, बांसवाड़ा और बाड़मेर सीटों पर मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। बाड़मेर में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव के समर में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने चूरू, राहुल कस्बा, कोटा बूंदी प्रहलाद गुंजल और बाड़मेर उम्मीदवारों में दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने बांसवाड़ा में कांग्रेस से आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मैदान में उतारा है। शेखावाटी से शाह ने शंखनाद तो कर दिया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और नागौर और चूरू समेत 5 विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक लिया। उन्होंने सीकर में एक रोड शो भी किया। इस रोड शो को शेखावाटी इलाके में पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर शामिल है। शाह ने जोधपुर में पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के पार्टी नेताओं की बैठकें भी ली हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से सभी 25 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 24 सीटें जीती और उसके सहयोगी आरएलपी ने एक सीट नागौर जीती थी। इस बार भाजपा फिर अकेले चुनाव लड़ रही है, तो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने इस बार नागौर की उसी सीट पर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में सत्ता थी। आपको बता दें कि उसके बावजूद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सीटें ऐसी जहां पर मुकाबला रोचक है। सबसे पहले बात चूरू की कर लेते हैं। चूरू में राहुल कस्बा वर्सेस देवेंद्र झाझड़िया का मुकाबला है। आप जानते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के साथ में थोड़ी बहुत अदावत के बाद चूरू से बीजेपी के सांसद राहुल कस्बा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और इसके साथ ही कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया और इसके बाद उन्हें सीधे चूरू से उम्मीदवार बना दिया। कस्बा ने बाद में सांसद पद से इस्तीफा भी दे दिया। कांग्रेस ने कस्बा को चूरू से अपना उम्मीदवार बनाया, जहां भाजपा ने एक नए चेहरे और पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया पर दाव खेला है। उत्तरी राजस्थान की चूरू सीट जाट बहुल इलाका है और दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जाट समुदाय से हैं। चूरू लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा के पास 2 और बसपा के पास 1 सीट है। लोकसभा क्षेत्र में मजबूत स्थिति के बावजूद कांग्रेस ने अपनी पार्टी के किसी नेता को टिकट नहीं दिया है, बजाय भाजपा छोड़कर आए कस्बा पर भरोसा जताया है। 2 बार सांसद रहे कस्बा की जीत में मोदी लहर को भी एक बड़ा कारक माना जाता है। यह अलग बात है कि इस बार कस्बा के लिए हालत और पार्टी दोनों ही अलग है। और इसी तरह हाड़ौती क्षेत्र में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने हाड़ौती क्षेत्र में भाजपा के ही एक प्रभावशाली नेता प्रहलाद गुंजल को अपने पाले में कर लिया। उसने कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक गुंजल को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले गुंजल द्वारा ओम बिरला को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद है। बिरला 2 बार सांसद रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। राजे की सीकर सीट पर माकपा के पूर्व विधायक अमराराम कांग्रेस के साथ गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उनके सामने भाजपा के 2 बार के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ भी सीकर लोकसभा सीट में आता है। राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि माकपा और कांग्रेस गठबंधन से भाजपा को इस सीट पर चुनौती मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नागौर की। नागौर में मिर्धा बनाम बेनीवाल है, आप सभी जानते हैं। प्रदेश की जाट बहुल नागौर सीट पर भी मुकाबला रोचक और कड़ा रहने की संभावना है। यहां भाजपा ने पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मिर्धा और बेनीवाल पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। बेनीवाल ने 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन के तहत तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को हराया था। मिर्धा 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई और नागौर सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन अपने चाचा और कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा से वो हार गए थे। अब चलिए बात कर लेते हैं भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी आप सभी जानते हैं, वो भी गेम बिगाड़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एक और सीट जिस पर इस बार मुकाबला रोचक रहने की उम्मीद है, वो पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर सीट है। इस सीट पर भाजपा की ओर से एक बार फिर से केंद्रीय राज्य मंत्री
कैलाश चौधरी उम्मीदवार है। कांग्रेस ने आरएलपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार हालांकि पहली बार विधायक बने युवा रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। भाजपा की बागी भाटी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उन्हें स्थानीय मतदाताओं विशेषकर युवाओं में खासा लोकप्रिय माना जाता है। भाटी छात्रों के अधिकारों को लेकर काफी मुख्य रहे हैं और उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ उमड़ती देखी जा सकती है। अब साथ ही बात करते हैं मालवीय की भी। मालवीय के सामने भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आदिवासी बहुल दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और प्रभावशाली आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मैदान में उतारा है। सूत्र के अनुसार कांग्रेस मालवीय का मुकाबला करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाह रही है और उसने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बीएपी के विधायक राजकुमार रोत ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। बीएपी उन्हें पहले ही इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इस सीट पर कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। राज्य में बीएपी के 3 विधायक आप सभी जानते हैं, लेकिन बात वही है कि इसकी संभावना कम है। लेकिन कहा भी जा रहा है कि यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। अब देखना होगा कि ये लोकसभा का चुनावी रण किसकी जीत को सुनिश्चित करता है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया।